निम्नलिखित व्यवहारों से जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। वर्ष 2009 में 1 जनवरी को सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। जनवरी 5 महेश से 20% की व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। जनवरी 6 खराब होने के कारण महेश को 700 रुपये सूची मूल्य का माल लौटाया। जनवरी 10 200 रुपये का माल बेचा। जनवरी 12 दिनेश को 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद बेचा, कटौती 5% व्यापारिक और नगदी 1%। 21 जनवरी 5,000 रुपये सूची मूल्य का माल मोहन को 6% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती पर बेचा, उसने 60% राशि नगद दे दी। जनवरी 31 मोहन लाल से 10% व्यापारिक कटौती और 3% नगद कटौती पर 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा, 80% धन नगद दे दिया गया। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको व्यापारिक और नगद बट्टे दोनों ही प्रकार के बट्टों की गणना करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में हम देखेंगे, क्योंकि सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा गया है। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम सूची मूल्य पर व्यापारिक कटौती की गणना करते हैं और उसके बाद हम बची हुई धनराशि पर नगद कटौती की गणना करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। पहली एंट्री के लिए 20,000 पर 20% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 20% हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं जो कि 4,000 आएगा। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को हम सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो 20,000 माइनस 4,000 और ये जो अमाउंट हो जाएगी नेट अमाउंट वो हो जाएगी 16,000। अब इस 16,000 पर हमको कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट देना है, तो हम यहाँ 60,000 का 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे जो कि 800 आ जाएगा, और उस 800 को भी हम 16,000 से माइनस कर देंगे, 15,200 जो है होगी वो नेट अमाउंट होगी जो कि हमको कैश जब हम परचेस करेंगे तो हमको पेबल होगी। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स यहाँ पर परचेस किया है तो यहाँ पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए हम डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग परचेस ऑफ गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। अमाउंट हम यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे, हमने टोटल जो परचेस किया है ट्रेड को माइनस करके वो है 16,000। कैश में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो सबसे लास्ट में हमको प्राप्त होती है, यानी कि जब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस हो जाए और कैश डिस्काउंट भी माइनस हो जाए तो उसके बाद जो नेट अमाउंट बचती है वो हमारे लिए पेबल होती है और केवल वही अमाउंट हम कैश अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारी अमाउंट आई है 15,200। और जैसे कि हमने देखा कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट, लेकिन क्रेडिट डिस्काउंट की हम एंट्री कहीं पर भी नहीं करते, हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट में आ जाएगा कैश डिस्काउंट 800 और टोटल अमाउंट ये हो जाएगी 16,000। सेकेंड एंट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा है, तो यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस है 8,000 उस पे हम 20% पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 8,000 का 20% 1,600 और 1,600 को हम 8,000 में से माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेंगे 6,400। और अब हम इसके जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि महेश से खरीदा, यानी कि स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार हमने खरीदा है, तो इसके जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश बीइंग गुड्स परचेस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। और नेट अमाउंट, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डायरेक्ट माइनस करके लिखना होता है, उसकी कहीं पे एंट्री नहीं की जाती है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आई है 6,400 उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। थर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महेश को 700 रुपये का माल लौटाया गया खराब होने के कारण,
तो यहां पर हमको पहले समझ लेना है कि महेश से हमने माल खरीदा था, परचेस किया था, अब हम उस माल को वापस लौटा रहे हैं, यानी कि वो परचेस रिटर्न है। तो जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल एंट्री सिंपल होगी, महेश डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। लेकिन क्योंकि जब हमने उससे माल खरीदा था तो हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो अब वापस करते समय भी हमको यहाँ पर उस 700 के अमाउंट पे 20% ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी होगी। तो इसके लिए हम छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेंगे, 700 पे हम 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे जो कि 140 आएगा, और 700 में से 140 हम माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट जो यहाँ पर आएगी परचेस रिटर्न की वो हो जाएगी 560। और यहाँ पर हम इस एंट्री में अमाउंट जो है 560 लिखेंगे और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग 20% ट्रेड डिस्काउंट। 10 जनवरी को हम देख रहे हैं कि 200 रुपए का माल बेचा, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नगद बेचा कि उधार बेचा। तो जब भी इस तरह का पॉइंट दिया रहता है कि गुड्स सोल्ड या गुड्स परचेस, तो हमको ये मानना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पर दिया है 200 रुपए का माल बेचा, यानी कि हमने कैश सेल किया है यहाँ पर, और जब भी हम कैश सोल्ड करते हैं गुड्स को तो कैश हमारे पास आती है, इसलिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि गुड्स हमारे पास से गया इसलिए हम एंट्री करते हैं टू सेल्स, और अमाउंट यहाँ पर 200 है, उतनी अमाउंट यहाँ लिखेंगे और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। 12 जनवरी की हम एंट्री यहाँ पर देखते हैं, दिनेश को 2000 रुपए सूची मूल्य का माल नगद बेचा, 5% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम लिस्ट प्राइस जो है 2000, उसमें सबसे पहले हम 5% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 100, और इस 2000 में से 100 को हम अलग कर लेंगे, यानी कि हमारी जो कैश सेल है वो हो जाएगी 1900, और अब जो कैश डिस्काउंट है 1% वो हम सिर्फ इस 1900 पर ही कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा 19 रुपीज, और फिर हम इस 1900 में ये 19 भी माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट जो हमको रिसीवेबल होगी वो हम निकाल लेंगे, 1900 माइनस 19 तो ये हो जाएगा 1881। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गुड सेल कर रहे हैं तो यहाँ हमको डिस्काउंट देना है, और अगर हमको डिस्काउंट देना है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पर गुड सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगी, और कैश अगर आती है तो वो डेबिट होती है। तो इन सब जो कॉन्सेप्ट है इनको ध्यान में रखते हुए हम जनरल एंट्री करेंगे, तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि कैश में फाइनल अमाउंट जो ट्रेड और कैश दोनों ही डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आती है वो लिखते हैं, तो वो फाइनल अमाउंट हमारी आई है 1881, और डिस्काउंट में हम हमेशा कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, क्रेडिट डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो ये अमाउंट हो जाएगी 19 रुपीज कैश डिस्काउंट, और टोटल ये जो सेल की अमाउंट है वो है 1900। यहाँ पर हम नरेशन लिख लेंगे बींग सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। 21 जनवरी की एंट्री में हम देख रहे हैं कि 5000 रुपीज का एक जो गुड्स है वो मोहन को बेचा गया है, इस पे 6% ट्रेड डिस्काउंट है, 1% कैश डिस्काउंट है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात जो है वो ये है कि इसने 60% जो अमाउंट थे इसके सेल की उसने कैश दे दी है। तो यहाँ पर हम जब कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे वो 60% अमाउंट पर ही करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो हम 5000 का 6% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे जो कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा 300, और अब इस 5000 में से 300 हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 4700। अब ये 4700 की जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, लेकिन हमको जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो केवल कैश ट्रांजेक्शन पे ही करना होता है। तो क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि केवल 60% राशि ही नगद दी गई, तो पहले हम इस 47,000 का 60% अलग कर लेंगे और 40% अलग कर लेंगे, क्योंकि 60% जो है वो कैश सेल है और बाकी 40% जो है वो क्रेडिट सेल है। तो केवल 60% पर ही हमको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम 4700 का 60% कैलकुलेट कर लेते हैं, 2820,
और बाकी जो बचता है 4700 माइनस 2820 इक्वल टू 1880, ये जो अमाउंट है 1880 की, ये क्रेडिट सेल मानी जाएगी। अब क्योंकि कैश डिस्काउंट हमको केवल कैश सेल पे ही देना है, तो यहाँ पर हमने कैश सेल निकाला है 4700 का 60%, 2820, और इस 2820 पे 1% हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 28.20। और अब इस 2820 में से ये जो कैश डिस्काउंट है 28.20, ये हम माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगी अमाउंट 2791.80। अब इस पूरे कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत सावधानी से जनरल एंट्री पास करनी है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक तो यहाँ पर कैश सेल भी है, दूसरा क्रेडिट सेल भी है और तीसरा डिस्काउंट भी है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री क्रेडिट और कैश दोनों ही ट्रांजैक्शन के लिए कंबाइंड होगी। महेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट हम किस प्रकार डालेंगे, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ हम अमाउंट किस प्रकार डालेंगे ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री जो पास की है मोहन अकाउंट डेबिट, ये हमने क्रेडिट सेल के लिए पास की है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी क्रेडिट सेल की जो अमाउंट थी माइनस करने के बाद वो आई थी 1880, तो उस अमाउंट को हम मोहन के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि वो क्रेडिट सेल है। दूसरा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो फाइनली हमको दोनों टाइप के डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिसीव हुई है, जो कि यहाँ पे है 2791.80। और डिस्काउंट में जैसे कि हमने पहले भी देखा कि केवल कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, क्रेडिट डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 28.20। और टोटल हम इसको करके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टोटल जब हम इसका करते हैं तो हम देखते हैं कि 4700 टोटल अमाउंट आ रही है, जो कि टोटल सेल की अमाउंट है। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बिंग सेल ऑफ गुड्स टू मोहन एट 6% रेट डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट एंड रिसिप्ट ऑफ 60% ऑफ द अमाउंट। नेक्स्ट, 31 जनवरी की जो एंट्री है वहां पर हम देख रहे हैं कि मोहनलाल से 10% व्यापारिक कटौती पर और 3% नगद कटौती पर 6000 रुपए का मूल्य का माल खरीदा गया है और उसको 80% की राशि का भुगतान कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम जो इसकी लिस्ट प्राइस है 6000, उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इस अमाउंट से अलग कर देंगे। तो 6000 का हमने 10% कैलकुलेट किया जो कि 600 आया, 6000 में 600 हमने माइनस कर दिया, 5400 आया, और इस 5400 में से अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80% अमाउंट को अलग कर लेंगे और 20% अमाउंट को अलग कर लेंगे। यानी कि जो 80% अमाउंट है वो कैश ट्रांजेक्शन है और 20% जो अमाउंट है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो 5400 का 80% हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 4320। अब और इस 4320 पर ही अब हमको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, जो कि प्रश्न में 3% दिया गया है। तो 4320 में 3% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 129.60। और अब इस 4320 में से हम डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेंगे जो कि हमको कैश में लिखनी है। तो 4320 में से 129.60 जो कि डिस्काउंट की अमाउंट है, कैश डिस्काउंट की अमाउंट है, उसको हम माइनस कर देंगे तो कैश की जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी 4190.40। साथ ही हमको एक काम यहाँ पे ये भी करना है कि अभी हमको ये जो टोटल परचेस है इसमें से कैश परचेस को हमको अलग करके क्रेडिट परचेस निकालना है। तो टोटल जो परचेस था वो था 5400, इसमें से कैश परचेस जो है वो है 4320, इसको हम माइनस कर देंगे तो 1080 जो है वो हमारा क्रेडिट परचेस निकल जाएगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, तो जनरल एंट्री में हमको तीन चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर पोस्टिंग करनी है।
एक तो हमने कुछ क्रेडिट परचेस भी किया है, दूसरा हमने कुछ कैश परचेस भी किया है, और यहाँ पर हमको कुछ डिस्काउंट भी मिला है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू मोहनलाल अकाउंट। अब अमाउंट हमें किस प्रकार लिखना है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैश अकाउंट में वो अमाउंट आती है जो फाइनली ट्रेड और कैश डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो पेबल अमाउंट होती है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 4190.40। डिस्काउंट में हमने देखा कि केवल कैश डिस्काउंट की ही एंट्री की जाती है, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया है 129.60। और मोहनलाल अकाउंट में हमको क्रेडिट परचेस की अमाउंट लिखनी है जो कि हमने लास्ट में कैश में से अलग करके फाइंड आउट किया था, तो ये अमाउंट आई थी क्रेडिट परचेस की 1080। टोटल यहाँ पर जो परचेस की अमाउंट है 5400 हो जाएगी, और यहाँ पर हम जनरल को 35160 से क्लोज कर देंगे। निम्नांकित सौदों को राजेश चौधरी के जनरल पंजी में दर्ज कीजिए तथा प्रत्येक के साथ गणना भी दर्शाएंगे। 2010 जनवरी फर्स्ट को सोमनाथ से 10% व्यापारिक कटौती पर तथा 5% नगद कटौती पर ₹20,000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। 5 जनवरी अभिषेक को ₹30,000 सूची मूल्य का माल नगद बेचा और 5% व्यापारिक कटौती एवं 2% नगद कटौती दिया। 12 जनवरी को ₹10,000 सूची मूल्य का माल नगद बेचा और 10% व्यापारिक कटौती एवं 2% नगद कटौती पर बेचा। उसने 50% राशि नगद चुकाई है। 18 जनवरी को अमिताभ से ₹4,900 नगद प्राप्त हुए और उन्हें बट्टा ₹100 प्राप्त हुआ। 20 जनवरी को शाम को ₹1,980 नगद प्राप्त हुए और उन्हें बट्टा ₹100 दिया। कुलदीप को ₹1,000 के पूर्ण हिसाब में ₹980 नगद दिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को सोमनाथ से 10% कटौती पर या 10% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर माल खरीदा गया है। तो सबसे पहले हम इसके लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट के कैलकुलेशन कर लेंगे। 20,000 पे 10% यानी कि 2,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा 2000, और इस 20,000 में जब हम 2000 माइनस करेंगे तो 18,000 जो है वो को कैश ट्रांजेक्शन की अमाउंट मिल जाएगी, और इस 18,000 पर हम 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे 900, और इस 900 को भी हम 18,000 में से माइनस कर देंगे तो 17,100 यहाँ पर हम फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे जो कि हमको परचेस के टाइम देना है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और अमाउंट हम किस प्रकार लिखेंगे, तो हमने देखा कि कैश में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो फाइनल अमाउंट हमको रिसीव होती है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जो कि यहाँ पर 17,100 है। और डिस्काउंट में हम केवल कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर 900 है और टोटल परचेस में हमको यहाँ पर 18,000 लिखना है। 5 जनवरी का हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 30,000 जो लिस्ट प्राइस है माल बेचा गया है, इसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। 30,000 पे हम 5% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 1500 आएगा। इस 1500 को हम 30,000 में से माइनस कर देंगे तो हमें 28,500 मिल जाएगा, और अब इस 28,500 में हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमको 2% दिया गया है प्रश्न में, और 28,500 पे 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा 570, और इसको भी हम इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से, तो 27,930 जो फाइनल पेमेंट की अमाउंट है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। अब क्योंकि ये सेल है और यहाँ पर हमको डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो सबसे लास्ट में हमको मिली है डिस्काउंट, जो दोनों टाइप के डिस्काउंट है उनको लेस करने के बाद, यानी 27,930, और
डिस्काउंट डेबिट में हम कैश डिस्काउंट को लिखेंगे यहाँ पर 570, और टोटल जो सेल की प्राइस है हमारी वो आ जाएगी यहाँ पर हमको 28,500। 12 जनवरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 जो है लिस्ट प्राइस है और 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, और साथ में यहाँ पर एक पॉइंट जो दिया गया है उसमें 50% कैश चुकाया गया ये बताया गया है, और बाकी जो 50% बचा ये मान लेंगे कि वो क्रेडिट है। तो सबसे पहले इसके कैलकुलेशन में हम 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 1,000 आएगा। इस 10,000 में से 1,000 को हम लेस कर देंगे और 9,000 हमको मिल जाएगी जो यहाँ पर सेल की अमाउंट है। इस 9,000 में हम कैश और क्रेडिट सेल को अलग-अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 50% अमाउंट मिली है, यानी कि 9,000 का 50% कैश सेल है और बाकी जो 50% है वो क्रेडिट सेल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4,500 कैश सेल है और 4,500 क्रेडिट सेल है। अब क्योंकि कैश डिस्काउंट भी दिया गया है तो कैश डिस्काउंट जो है वो हमको सिर्फ कैश सेल पे ही कैलकुलेट करना है। तो 4,500 का 2% हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि 90 रुपीज आएगा, और इस कैश सेल 4,500 में से 90 रुपीज कैश डिस्काउंट भी हम माइनस कर देंगे तो हमें 4,410 रुपीज जो है वो नेट अमाउंट यहाँ पर रिसीव वाली प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी जनरल एंट्री हमको करनी है तो तीन बातों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है और डिस्काउंट भी हमको यहाँ पर देना है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सुनील अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट हम यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने जो एंट्री पास की है सुनील अकाउंट डेबिट वो हमने क्रेडिट सेल के लिए पास की है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी कि क्रेडिट सेल की जो अमाउंट थी वो है 4,500। तो यहाँ पर सुनील अकाउंट के डेबिट में हम 4,500 लिखेंगे। कैश में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो फाइनली कैश एंड क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है, तो वो अमाउंट हमको मिली है फाइनली 4,410, और डिस्काउंट के अंतर्गत हम केवल कैश डिस्काउंट के अमाउंट लिखते हैं तो वो अमाउंट है यहाँ पर 90 रुपीज। तो टोटल 9,000 यहाँ पर सेल में हम लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में 9,000। 18 जनवरी को अमिताभ से 4,000 रुपए नगद प्राप्त हुए हैं और बट्टा भी हमको मिला है अमिताभ से। तो यहाँ पर क्योंकि बट्टा भी मिला है और कैश भी मिला है तो यहाँ हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमिताभ, और कैश में क्योंकि 4,900 कैलकुलेट करके दे दिया गया है यहाँ पर अतिरिक्त कोई बट्टा नहीं लगाना है तो कैश में हम डायरेक्ट 4,900 लिखेंगे। डिस्काउंट में क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 100 रुपीज डिस्काउंट है तो 100 रुपीज हम डिस्काउंट के लिखेंगे, और टोटल जो है वो अमिताभ से प्राप्त हुए में हम टू अमिताभ में 5,000 से इसकी एंट्री करेंगे। 20 जनवरी को हम देख रहे हैं कि श्याम को 1,980 रुपए नगद प्राप्त हुए और उन्हें बट्टा और कटौती भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्योंकि ये अमाउंट श्याम को प्राप्त हो रही है तो हम श्याम अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे और श्याम अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैश और टू डिस्काउंट से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश जो है वो उसको 1980 मिली है और डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट वो है 20 रुपीज। तो टोटल श्याम के हिस्से में 2,000 से हम इसकी एंट्री पास करेंगे। 28 जनवरी को हम देख रहे हैं कि कुलदीप को 1,000 रुपए के पूर्ण हिसाब में 980 रुपए नगद चुकाए, तो ये मान लिया जाएगा यहाँ पर कि 20 रुपीज जो था वो कैश डिस्काउंट हो गया। तो क्योंकि कुलदीप प्राप्त करने वाला है तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी कुलदीप डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और कैश अमाउंट जो है वो जो चुकाई गई अमाउंट है 980 वो हम लिखेंगे। डिस्काउंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,000 माइनस 980 20 रुपीज डिस्काउंट आ रहा है तो वो अमाउंट हम डिस्काउंट में लिखेंगे, और टोटल अमाउंट जो पेबल है वो 1,000 है जिसे हम कुलदीप अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों की कपड़ा व्यवसायी कमला के जनरल में प्रविष्टि कीजिए। 1 जनवरी 2006 बैंक में सावधि जमा खाते में 5,000 रुपए और चालू खाते में 2,500 रुपए जमा कराएं।
2 जनवरी माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया 500 रुपए। 3 जनवरी वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया 250 रुपए। 4 जनवरी छेदीलाल को माल बेचा 500 रुपए। 5 जनवरी छेदीलाल से चेक प्राप्त किया 500 रुपए। 6 जनवरी छेदीलाल का चेक बैंक में जमा किया। 7 जनवरी अनिल कुमार को माल बेचा और चेक प्राप्त किया 500 रुपए। 8 जनवरी अनिल कुमार के चेक का विनोद कुमार को बेचान किया। 9 जनवरी सुशील कुमार से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया 250 रुपए। 10 जनवरी अनिल कुमार का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। 11 जनवरी सुशील कुमार का ड्राफ्ट बैंक में जमा कराया। 12 जनवरी कार्यालय व्यय के लिए 250 रुपए तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 250 रुपए बैंक से निकाले। 13 जनवरी विपिन कुमार से 500 रुपए का एक बाहरी चेक प्राप्त हुआ और इसे बैंक में जमा कराया। 16 जनवरी विपिन कुमार के चेक की राशि संग्रहित कर ली गई और बैंक ने 2 रुपए बैंक में लगाए। 13 जनवरी चालू खाते से सावधि जमा खाते में 500 रुपए स्थानांतरित किए गए। यहाँ फर्स्ट एंट्री जबकि बैंक में पैसे जमा किए गए हैं और फिक्स डिपॉजिट में और करंट अकाउंट दोनों में ही, उसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हमने 5000 जमा किए हैं, 5000 से एंट्री हम इसकी करेंगे। बैंक अकाउंट में हम 2500 लिखेंगे क्योंकि करंट अकाउंट में जो भी राशि हम जमा करते हैं उसको डायरेक्ट हम बैंक में ही उसकी पोस्टिंग करते हैं। और टोटल जो कैश गई वो थी 7500 जो कि क्रेडिट साइड में आएगी। यहाँ नरेशन लिखेंगे बिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट। 2 जनवरी को क्योंकि गुड्स हमने परचेस किया है और चेक से पेमेंट किया है, तो चेक जब हम पेमेंट करते हैं तो वहां पर हम कैश की जगह बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग गुड्स परचेस एंड पेड बाय चेक, 500 से इसकी एंट्री करेंगे हम। 3 जनवरी को सैलरी पे कर रहे हैं बाय चेक, तो क्योंकि यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग सैलरी पेड बाय चेक 250। 4 जनवरी को गुड सेल कर रहे हैं हम छेदीलाल को 500 में, यहाँ पर कैश या बैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी छेदीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बींग गुड सोल्ड टू छेदीलाल 500। उसके बाद 4 तारीख को, 4 जनवरी को हमने जो ट्रांजेक्शन किया था सेल का, उसके बिहाफ में हमको यहाँ पर चेक मिल रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम छेदीलाल रुपीज 500। तो अब हम, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ चेक मिल रहा है, हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर चेक मिलता है तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल, बींग चेक रिसीव। और नेक्स्ट डे 6 जनवरी को इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ हमको सूचना दी गई है छेदीलाल चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पर हम बैंक में नॉर्मली जो कैश डिस्काउंट की जो एंट्री करते हैं वही एंट्री हम यहाँ पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बींग छेदीलाल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट यहाँ पर हम 7 जनवरी को देख रहे हैं सोल गुड्स टू अनिल कुमार एंड रिसीव चेक 500। तो यहाँ पर हम क्योंकि अनिल कुमार को सेल कर रहे हैं और चेक हमको प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन है और सिर्फ चेक हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, इस चेक को बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 से। 8 जनवरी को यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया गया है अनिल कुमार चेक इंड्रोज टू विनोद कुमार, अनिल कुमार का जो चेक था उसको विनोद कुमार के नाम से उसका बेचान कर दिया गया, तो यहाँ पर वो चेक क्योंकि विनोद कुमार के पास चला जाएगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी विनोद कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग चेक ऑफ अनिल कुमार इंड्रोज टू विनोद कुमार, और 500 से इसकी एंट्री करेंगे। 9 जनवरी को यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया गया है रिसीव बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम सुशील कुमार 250, सुशील कुमार से एक बैंक ड्रॉप यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार, क्योंकि केवल हम बैंक ड्रॉप जो है रिसीव कर रहे हैं, अभी हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो एज अ कैश ट्रांजेक्शन हम उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। 10 जनवरी को हम देख रहे हैं कि जो अनिल कुमार का चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, रिटर्न हो गया, वापस वो अनिल कुमार के पास आ गया
और क्योंकि बहुत हमको ध्यान रखना है इस एंट्री को पास करते समय कि वो जो चेक था अनिल कुमार का, वो ऑलरेडी विनोद कुमार को इनरोस्ड हम कर चुके थे, विनोद कुमार के नाम से वो बेचान हो चुका था। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री पास होगी, अनिल कुमार अकाउंट डेबिट टू विनोद कुमार बीइंग अनिल कुमार चेक डिसऑर्डर 500 से। 11 जनवरी को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुशील कुमार ने एक ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है बैंक में, तो क्योंकि डेट अब चेंज हो गया है, कुछ समय पहले वो ड्राफ्ट मिला था और अब वो अगली तिथि को, अगले डेट को वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो नॉर्मली बैंक में कैश डिपॉजिट की हम जो एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग सुशील कुमार बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन टू करेंट अकाउंट 250 से। 12 जनवरी को हम देख रहे हैं कि विड्रॉल किया गया है कुछ पैसे, जिसमें 250 जो है वो ऑफिस यूज के लिए है और बाकी जो 250 है वो पर्सनल यूज के लिए है। तो ऑफिस यूज के लिए अगर हम कुछ विड्रॉल करते हैं तो वो नॉर्मली बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है वो माना जाता है, तो उसके लिए हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 250 से, और पर्सनल यूज के लिए जो हम 250 विड्रॉल कर रहे हैं वो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक बिंग कैश विड्रॉल 250 फॉर ऑफिस यूज एंड 250 फॉर पर्सनल यूज। 13 जनवरी को यहाँ पर विपिन कुमार से 500 रुपए का एक बाह्य चेक प्राप्त हुआ है और बैंक में जमा किया, तो यहाँ पर हमको बहुत सावधानी रखनी है कि जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन वो सेम डेट पे बैंक में जमा हो गया है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विपिन कुमार बिंग चेक रिसीव फ्रॉम विपिन कुमार एंड डिपॉजिटेड द सेम डेट इन टू बैंक 500 का ये चेक है, 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 16 जनवरी को विपिन कुमार का ये जो चेक की राशि थी वो जमा कर दी गई और बैंक ने बैंक व्यय लगाए, तो ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ये हमको अलग से कहीं पे कैश पेमेंट नहीं करने पड़ते, बैंक में हमारा जो अकाउंट होता है उसमें से ही ये कट जाते हैं। तो यहाँ पर, और क्योंकि वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होगा बैंक में से वो डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बिंग कमीशन चार्ज बाय बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ विपिन कुमार चेक, और 2 रुपए से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। 31 जनवरी को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चालू खाते से सावधि जमा खाते में 500 स्थानांतरित किए गए, करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट आ गई हमारी, तो इसको हम इसकी एंट्री हम करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 से, और नरेशन यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और 13,252 से हम इस अकाउंट का, इस जनरल को क्लोज कर देंगे।